सुफियान बेटा चलाओ नुमाइश चलते हैं। अरे कहाँ रह गया ये सुफियान? अरे ये तो नमाज पढ़ रहा है, चलो वेट कर लेता हूँ। अरे यार लगता है इसको तो अभी टाइम लगेगा। सुफियान बेटा एक गिलास पानी ला दो। अच्छा मम्मी लाया। अरे ये क्या, इसने तो नियत तोड़ दी। सुफियान बेटा इधर आओ। अरे सुफियान बेटा पागल हो क्या, ऐसे नियत तोड़कर नहीं जाते हैं। आपने नेकी कमाने की जगह एक गुना कर दिया, क्योंकि आपने नमाज पढ़ते पढ़ते बीच में से ही छोड़ दी। पापा मुझे मम्मी ने बुलाया था इसलिए मैं नियत तोड़ के गया था। लेकिन बेटा आवाज तो मैंने भी दी थी। बेटा याद रखना नमाज पढ़ते वक्त कोई भी आवाज दे तो नियत तोड़कर ऐसे नहीं जाते हैं। पापा मुझे पता है नियत नहीं तोड़ते हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है अगर मेरी माँ जिंदा होती और मुझे नफिल नमाज में बुलाती तो मैं भागकर दौड़ा चला जाता और मैंने वही किया जो हमारे नबी फरमाते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी कभी गलत हो ही नहीं सकते और मैं बहुत खुश हूँ। अरे अजानें हो गयी, ठेला यहीं खड़ा कर देता हूँ, पहले नमाज पढ़ लेता हूँ। हाँ भाई नमाज पढ़ने जा रहा हो? जी भाई। पहले ये बताओ कौन से फिर कैसे हो? भाई मतलब समझा नहीं। अरे मियाँ सुन्नी हो, वहाबी हो, 24 नंबरी हो, अहले हदीस हो, कौन हो? भाई नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं है क्या? अरे भाई बातें मत मलका, जल्दी बता कौन से फिरके से है तू, जब ही नमाज पढ़ने देंगे हम तुझे। भाई मैं एक अल्लाह पे ईमान रखने वाला हूँ और नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, क्या इतना नमाज पढ़ने के लिए काफी नहीं है मेरे लिए? और मेरे भाई क्या आप बता सकते हैं हमारे नबी कौन से फिरके से ताल्लुक रखते थे? मेरे भाई शायद आप भूल गए हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वआतासिमु हब्लिल्लाही जमीअन वला तफर्रकू, ए ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को कसके से पकड़ो और फिरकों में ना बटो। और यही वजह है मेरे भाई आज हम फिरकों में बट गए हैं और दुनिया भर में जलील हो रहे हैं। भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दिए और आज आपने हमारी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं भाई,